श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्रीमत कुंज बिहारणे नमः और बिहारी जी की आरती के छींटे चल रहे हैं, जो कि भक्तों को आनंद मिल रहा है आरती के छींटों का। और अब गेट बंद होने वाला है ठाकुर जी का। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। गेट बंद हो चुका है तो अब सभी भक्त लोग एक बार जरूर बोलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बहुत सुंदर और इतनी विशाल रूपी बंधन मान है ये, बहुत बड़ी बंधन मान है। ठाकुर जी की चौखट पर चलते हैं यहीं से आप लोग आनंद ले सकते हैं बांके बिहारी जी की चौखट का। और जो कि इतने भक्तों ने आज ठाकुर जी की गुलाबी छटा के दर्शन करे हैं, आज बिहारी जी गुलाबी छटा में हैं। बिहारी जी ने पिंक कलर की पोशाक पहनी है और जो लाल उनके जो गुलाल है जो अभी जो उनके गालों पर लगा हुआ था, यानी कि गलचप्पे जिसको हम बोलते हैं, तो ठाकुर जी की वही कृपा रूपी आशीर्वाद जो है वो भक्तों को मिलता रहता है। तो श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। और अब चौखट पर मत्था टेकने के लिए भक्त लोग लगे हुए हैं और काफ़ी भक्त के नीचे से भी लाइव के लिए हाथ ला रहे हैं ऊपर आने के लिए, तो ऊपर उनको भी माथा टिकवाने के लिए हमने बोल दिया है कि जी आ जाओ और ठाकुर जी की चौखट पर माथा टेक कर आशीर्वाद ले लीजिए। आज सुबह हमने हलवा प्रसाद वितरण रखा था और कल कुछ और भी रखेंगे और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बात कि हमारे यानी बिहारी जी की असीम अनुकंपा से बिहारी जी की कृपा से हमारे इंस्टाग्राम फैमिली 50K हो चुकी है, यानी कि 50,000 यानी कि 50,000 भक्त लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ चुके हैं। तो उसके लिए बहुत जल्दी हम एक सेलिब्रेशन रख रहे हैं जो कि कुंभमय सेलिब्रेशन होगा। पहले माथा टेको, कुंभमय सेलिब्रेशन होगा और वो कुंभमय सेलिब्रेशन बड़े ही आनंद पूर्वक हम सभी मेरे बाकी वाले भक्त परिवार मनाएंगे। और उसमें हम लोगों ने सोचा है, डिसाइड किया है कि हम रखेंगे प्रसाद वितरण और वो प्रसाद वितरण बैठा के भोजन कराएंगे। और वो बैठा के भोजन जो होता है, यानी कि जो साधुओं को ब्राह्मणों को संतों को जो जय बिहारी जी की श्री अरदास। माता टेकिए, पहले माता टेक के आओ। हाँ बिल्कुल माता टेकिए। तो साधु संतों को महात्माओं को जैसे उस दिन भोजन कराए थे बैठा के, ऐसे ही कराएंगे और उसको बढ़िया से बैलून्स वगैरह के साथ डेकोरेशन रखेंगे। पहले बढ़िया से एक सेलिब्रेशन रखते हैं। तो मैं उसकी जो डेट है वो 2-3 दिन पहले आप सभी लोगों को बता दूंगा और हो सकता है शायद मे बी 1 दिन पहले तो नहीं, पर हम 2-3 दिन पहले कर लेंगे। सो दैट जो भी भक्त लोग आना चाहें वो हमसे कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि वो सेलिब्रेशन है मेरे बाकी वाली भक्त परिवार का, वो सेलिब्रेशन है 50K का, वो सेलिब्रेशन है इंस्टाग्राम की 50K यानी 50,000 भक्त फैमिली का। वो सेलिब्रेशन हम सभी भक्त लोग मनाएंगे साथ में मिलकर, क्योंकि बहुत खुशी मिली है कि बिहारी जी की कृपा से 50K यानी 50,000 भक्त हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पर भी 50,000 हो चुके हैं और फेसबुक पर तो काफ़ी पहले हो गए। तो अब वो सेलिब्रेशन बनता है और उस सेलिब्रेशन में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करिएगा और कांटेक्ट कैसे करना है बड़ा ही इजी है। जिस पेज से अभी हम लाइव आए हैं मेरे बांके बिहारी से, इसके पेज पर आप रिक्वेस्ट हमें भेज मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में जाके, और इनबॉक्स में जाके आप मैसेज कीजिए ताकि आप लोगों को हमसे कॉन्टैक्ट हो, हमारे मॉडरेटर्स आपको रिप्लाई देंगे और हम आपको डेट बता देंगे 2-3 दिन पहले। तो प्रसाद पाने के लिए इवन साधु महात्मा संत जितने भी बैठते हैं भोजन के लिए उनको आप लोग परोसाई भी करेंगे, जी हाँ आप लोगों से ही प्रसाद वितरण करवाएंगे, तो उन लोगों को प्रसाद भी आप लोग खिलाओगे और वो जो आशीर्वाद मिलेगा ना जी वो कहीं नहीं मिल सकता कहीं भी। उनके अंतरात्मा से, उनके मन से, उनके अंतरात्मा आत्मा से जो आपको आशीर्वाद मिलेगा परमात्मा का आशीर्वाद है वो एक तरीके से। तो उनको बैठा के भोजन कराएंगे, प्रसाद मीठा भी होगा, पूरी सब्जी भी होंगी, बहुत आनंद आने वाला और आप लोग भी हमारे साथ प्रसाद पाएंगे। जैसे आज भी जो भक्त हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने हलवा प्रसाद वितरण किया और उसके बाद बैठ के भोजन भी किए, तो ऐसे ही हम रखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा जी।
मेरा नंबर। अच्छा चलो ले लो। तो नंबर चाहिए था इनको हमारा, प्यारी जी ने दिलवा दिया। तो मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। हम सेलिब्रेशन रखने वाले और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग आएँ। और इसके साथ साथ हमने सोचा है कि उसी दिन हम भजन संध्या भी रखने वाले हैं। तो आप लोग जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सेलिब्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बार का होगा, यानी कि भोजन प्रसाद का। वो सेलिब्रेशन होगा भजन संध्या का भी, और वहाँ पर अपने शिविर में हम लोग भजन संध्या का प्रोग्राम भी रखने वाले हैं। तो आप लोग उसमें डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो भजन संध्या भी देखिए हमारे साथ भी कुछ भक्त लोग जुड़े हैं। आपके बदौलत पूरे लॉकडाउन दर्शन हुआ है 8 महीने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये तो बिहारी जी का आशीर्वाद है। आपका शुभ नाम है? नहीं, आशीर्वाद इनका है, बिहारी जी का मैं माध्यम बन गया। आपका शुभ नाम? ये देखिए हमारे साथ, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा ट्रिप बनाया है और ये धार्मिकता पे पूरा बेस्ड है बिना। और ये तो राधा और कृष्ण के मिले जुले रूप है। राधा ही हर जगह है, राधा ही राधा है। ये राधा और कृष्ण दोनों मिले जुले रूप है। दो अगर राधा और कृष्ण दो महाशक्ति हैं। चलिए इनकी सुनते हैं। जी जी जी, सारे लक्षण कन्हैया के हैं। अरे वाह, लेट उठते हैं, जल्दी से लेट सोते हैं, काम का शौक है, मम्मी से अर्थात प्रेम है। उसको कहते हैं जैसे ठाकुर जी को, ठाकुर जी को कहते हैं रसिया ठाकुर, बांके बिहारी जी को मालिश होती है। अरे वाह, देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने इनको, यानी कृष्ण जी ने अपने रूप के दर्शन के लिए, इनको अपने रूप के दर्शन कराने के लिए इनको फादर दे दिए हैं। और वो पूरे बिहारी जी के, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ कि वो ठाकुर जी ने, देखिए उन्हें इत्र भी पसंद है, उनको पान पसंद है, क्योंकि बिहारी जी रसिया ठाकुर है, उनको प्रेम है। जन्माष्टमी के अष्टमी के दिन, वेरी गुड, जन्माष्टमी के दिन पैदा भी हुए हैं, जन्म लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही तो है जी, आपको ये देखिए आपको किसी ना किसी रूप में दे देते हैं। और यही मैं कहता हूँ कि जो कृपा होती है वो कब किस रूप में कहाँ कैसे होती है वो हमें नहीं पता। और यहाँ पर भी कुछ भक्त जुड़े हैं, तो कब किस रूप में। अरे वाह, चलिए जी, आपका नाम? केशव। चलो बहुत बढ़िया। दरवाजा पे माथा रखवाना है ना? अभी भी पहले दे दूंगा। नहीं नहीं, अभी भी पहले माथा टिक लिया यहाँ पर होना है, बस देखना है, पर खुले अब नहीं खुलेंगे, अब नहीं खुलेंगे, अब सुबह खुलेंगे। ये बंद हो गए अब दर्शन, अब ठाकुर जी शयन के बाद यहाँ तक जा सकते हैं सिर्फ। चलो आप करवा दो, पहले यहाँ माथा टेको। अच्छा इनका नाम क्या है, आप गेस्ट करो, धन्नो है। अच्छा, इनकी सिस्टर भी आई हुई हैं, वो भी बिहारी जी की भक्त हैं। तो अरे बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 50 के हमारे जो भक्त फैमिली हो चुके हैं इंस्टाग्राम, उसी का सेलिब्रेशन नहीं है ये, सेलिब्रेशन है इंस्टाग्राम फैमिली का, ये सेलिब्रेशन है यूट्यूब भक्त फैमिली का, और ये सेलिब्रेशन है फेसबुक भक्त फैमिली का। लेकिन ये सेलिब्रेशन इन सब को जोड़ने वाला एक ही है, मेरे बाकी वैरी भक्त फैमिली का। ये देखिए बिहारी जी ने अगर नेत्र छीने हैं तो बिहारी जी ने अपना आशीर्वाद भी दिया है उनको कि चेहरे पर मुस्कान दी है और वो सदैव बनी रहे उनके, और उनको बच्चे दर्शन करा रहे हैं। ये कृपा है जी बहुत बड़ी कि बिहारी जी ने अगर उनको मन की आंखें दी हैं, जैसा कि हमने देखा अभी आएंगे बाहर तो ऐसे ही दूर से हम दिखा देंगे आपको। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सेलिब्रेशन जो है वो मेरे बांके बिहारी भक्त फैमिली का है पूरा, और वो सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से हम करने वाले हैं। भजन संध्या भी रखेंगे उसके साथ साथ, हम भजन संध्या भी रखने वाले हैं। भजन संध्या के साथ साथ चाहे एक हफ्ते लगे चाहे 10 डेज लगे, बट आप लोग शामिल होना चाहिए, आप लोगों को हो जाइए।
मैं आपको डेट बता दूंगा पहले से ही, तो वो भी एक लाइव सेशन में बता देंगे। तो लाइव सेशन देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलिब्रेशन में जुड़े। प्रसाद भी होगा और प्रसाद वितरण भी होगा। साधु संत महात्माओं को आप लोग बैठा के ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर उसके बाद आप लोग भी प्रसाद पाएं, फिर शाम के टाइम जो भजन संध्या होगी उसका भी आनंद लेंगे। तो यही तो एक आनंद है जो ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर होनी चाहिए और होती है। देखिए हम यहाँ से दर्शन कर सकते हैं कि कैसे अपने माँ हैं या दादी हैं उनको दर्शन कराने के लिए बच्चे लेकर आते हैं। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। और मन की आँखों से बिहारी जी ने इनको दर्शन दिए हैं, इसीलिए इनके चेहरे पर इतनी सुंदर मुस्कान है। जैसे हम ठाकुर जी के लिए बोलते हैं, पान खात मुस्कात मनोहर, मुख सुकुमा उजागर की, पान खात मुस्कात मनोहर, यानी पान खाने के बाद जो बिहारी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, मुस्कान आती है, वो उसको मेरे शब्दों में बोलेंगे कातिलाना। जी बिल्कुल, मेरे शब्दों में उसको बोलेंगे कातिलाना मुस्कान है बिहारी जी की, कि जो ना तीर की तरह ना यहाँ घुसती है दिल में और कत्ल कर देती है। तो ऐसी कत्ल करने वाली ऐसी कातिलाना मुस्कान पर मैं बलिहारी जाऊँ ठाकुर मेरे बाक्य बिहारी पर। तो ऐसे ही मुलाकात करेंगे, आज का लाइव सेशन यहीं विराम देते हैं। सेलिब्रेशन बहुत जल्दी होने वाला है और सेलिब्रेशन होगा मेरे बाकी वाली भक्त परिवार का, और वो सेलिब्रेशन होगा कुंभ में, और वो सेलिब्रेशन होगा सारी जितनी भी फैमिली, जितने भी भक्त हैं आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं और भी जुड़ेंगे। हो सकता है सेलिब्रेशन तक और भी परिवार बड़ा हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ परिवार को बढ़ाइए और भी लोगों को जोड़िए। आप लोग हमसे मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे आप लोग यहाँ आते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, बड़ा ईजी है। आप लोग यहाँ कॉन्टैक्ट करिएगा, आप यहाँ माता टेक लो एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और आप लोग कॉन्टैक्ट करने के बाद जिस दिन सेलिब्रेशन होगा उस दिन प्रसाद वितरण में भी शामिल हो सकते हैं। तो आज के लाइव सेशन को यहीं विराम देते हैं। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। लेकिन चौखट पे दर्शन करने के साथ ही हम सेलिब्रेशन के साथ ही हम विराम देंगे ताकि ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।